थोड़ा बहुत सिक्रेशन को भी कम कर सकती है। तो दोनों का डिफरेंस आप समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोनों का काम क्या है, एक स्लाइवरी सिक्रेशन में ज्यादा अच्छा काम करती है और एक बैगल ब्रेडिकार्डिया में ज्यादा अच्छा काम करती है। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी, आज जो मैं आपके सामने आया हूँ, जो मैं बताने के लिए आया हूँ, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हैं। प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेटेड बात करें या फिर थ्योरिकली रिलेटेड बात करें, इन सब में आपके हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बेहद इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है और वो है प्री मेडिकेशन। प्री मेडिकेशन क्या होती है, अगर हिंदी में बात की जाए कि किसी भी सर्जरी या ऑपरेशन से पहले जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और वो क्या काम करती हैं, उनका डोज क्या होता है, रूट क्या होता है, इन सब के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ मिलकर, आप और हम। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्री मेडिकेशन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है उससे पहले कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। वो दवाइयाँ क्यों दी जाती हैं कि जो हम एनेस्थेटिक ड्रग्स देंगे वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँ, उनको देने की रिक्वायरमेंट कम पड़े, इसीलिए हम प्री एनेस्थेटिक एजेंट या फिर प्री मेडिकेशन देते हैं सर्जरी से पहले। ये बात होगी कि क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि कई बार उन प्री मेडिकेशन देने के बाद हमें बाकी की जो ड्रग्स देनी होती है उनके रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है उन ड्रग्स के साथ। ये हुई बात। अब बात करते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इनकी आवश्यकता क्यों होती है इन सब ड्रग्स को देने की। तो पहले जैसे कि मैं बात करूं, देखो सिंपल सी बात है, आप हैं या मैं हूं, एक ह्यूमन बिहेवियर है, हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को लेकर चलेंगे और इमेजिनेशन के साथ फील भी करते चलेंगे कि ये बातें हो क्या रही। हम बात करें कि अगर कोई पेशेंट है जिसको पता लग गया है कि उसका अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन होने वाला है, सर्जरी होने वाली है, तो सिंपल सी बात है उसके दिमाग में और उसके शरीर में क्या क्या विचार आएंगे, वो घबराएगा। घबराएगा तो क्या होगा, एंजाइटी होगी, घबराहट होगी, एंजाइटी होगी, और क्या होगा, उसको टेंशन होगी। अब ये सब सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलेंगी तो क्या होगा, उसके जो मॉनिटरिंग हैं, जो वाइटल्स हैं, नॉर्मल बीपी चल रहा था, नॉर्मल H2 हार्ट रेट थी, उसकी पल्स थी, ये सब नॉर्मल थे, तो लेकिन जब एंजाइटी में जाएगा तो टेकी होंगी, बढ़ेंगी चीज़ें, घबराएगा ज़्यादा। तो उन सबको कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि प्री मेडिकेशन में अगर मैं फर्स्ट नंबर पर बात करूँ तो वो दवाई रहती है दोस्तों मिडाजोलम। वैसे तो इस कैटेगरी की 3 ड्रग्स होती हैं, बेंजोडाइजेपाइनीज टाइप की इसमें ड्रग्स दी जाती हैं। कौन कौन सी आती हैं इस लिस्ट में, इसमें लोरेजेपाम आती है, डाइजेपाम आती है और आपकी एल्प्राजोलम भी आती है इस कैटेगरी में जो दवाई आती है। जैसे कि मैं बात करूँ स्पेशली जो हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है वो रहती है मिडाजोलम। अब मिडाजोलम ये है, आप देख सकते हैं मिडाजोलम का क्या रहता है कि इसके अंदर 1 mg ईच ml रहती है, यानी कि 10 ml की बायल है तो इसके अंदर 10 mg दवाई है। अब इसके रूट की बात करूँ, रूट रहता है इसका IB भी रहता है और IM भी रहता है इसका रूट, ड्रग्स पे लिखी होती है इनके रूट्स के बारे में। और डोज रहता है इसका 1 mg एडल्ट के हिसाब से, 1 mg रहता है एडल्ट के हिसाब से। और ये काम क्या करती है, इंपॉर्टेंट बात है कि इसके यूसेज क्यों करते हैं। ये देखो क्या करती है, सिडेटिव भी है, सिडेशन भी करती है और एंटी एंजाइटी भी करती है, एंटी एंजाइटी भी करती है और करती है दोस्तों ये जो दवाई करती है वो एमनेसिक इफेक्ट भी करती है। एमनेसिक मतलब एमनीशिया जब होती है, जैसे कि सम टाइम के लिए मेमोरी लॉस करना, कुछ समय के लिए चीज़ों को भूल जाना, तो ये एमनेसिक इफेक्ट भी करती है। क्या करती है, सिडेटिव इफेक्ट करती है, एमनेसिक इफेक्ट करती है और क्या करती है, ये एंजाइटी को कम करती है, रिड्यूस ऑफ एंजाइटी करती है, घबराहट को भी कम करती है। सिंपल है, होगी चीज़ें के लिए। अब बात करते हैं और क्या चीज़ें चलती है मरीज के साथ जब वो ऑपरेशन थिएटर में आता है, या फिर डॉक्टर्स क्या ध्यान देते हैं उस समय कि हम इस टाइप की भी दवाई दे सकते हैं। तो उस टाइप की दवाई जैसे कि एंटासिड कैटेगरी की कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जो कि रेनिटिडिन देते हैं। रेनिटिडिन है मेरे पास, ये है रेनिटिडिन, ये रेनिटिडिन इंजेक्शन है जो कि रेनटेक के नाम से आप लोग जानते होंगे, ये रेनटेक है। इसका रूट क्या रहता है दोस्तों, देखो रूट ना सब इस पे लिखे होते हैं, जो भी ड्रग्स होती हैं उन पर रूट लिखे होते हैं। और मैं आपको बता दूं, इनको पढ़ते जब आप लोड करते हैं तो इनको ध्यान दिया करें, IB और IM इसका रूट रहता है और HML इसके अंदर जो दवाई रहती है वो रहती है 25 mg HML, यानी कि अगर टोटल में बात करूं तो 50 mg इसके अंदर दवाई रहती है। डोज की बात करें तो डोज रहता है इसका 50 mg एडल्ट के अकॉर्डिंग, 50 mg रहता है एडल्ट के अकॉर्डिंग। और काम क्या करती है, यूसेज क्या है इसका, एंटी एसिडिटी यानी एसिडिटी को कम करती है जो रेनिटिडिन जो दवाई रहती है। और क्या देते हैं दवाइयाँ, जो हम देते हैं दवाइयाँ इसमें जो प्री मेडिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ तो रिलीफ पेन
प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप, उसको पेन को कम करने की करने के लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे कि कौन सी दवाई होती है उसमें, ओपोइड एनाल्जेसिक होते हैं, ओपोइड एनाल्जेसिक होते हैं जो कि नार्कोटिक होते हैं। जैसे कि एक बात की जाए फेंटानिल की है फॉर एग्जाम्पल, मतलब फेंटानिल भी दे सकते हैं, मोरफिन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए फेंटानिल की तो ये है फेंटानिल, ये दिस इज ए फेंटानिल इंजेक्शन। इसके अंदर क्या है, ये 50 mcg each ml है, यानी ये 2 ml की बैल है, 50 mcg each ml, यानी टोटल कितना हुआ 100 mcg, ये इसका इसके अंदर दवाई की मात्रा होगी। अब इसके रूट की बात करें तो रूट रहता है इसका IV और IM इसका रूट रहता है, और इसके जो डोज की बात की जाए तो डोज रहता है इसका 1.5 mcg से 2.5 mcg, मतलब माइक्स पर ग्राम, ये हो गई माइक्रोग्राम, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो MCG ये होता है फेंटानिल। अब फेंटानिल के तो को कुछ हर दवाई के ना, कोई भी दवाई बिना मर्जी के नहीं दी जाती है, मतलब डॉक्टर्स को ऐसा नहीं है कि दवाई देते रहो, ऐसा नहीं होता, दवाई के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो प्री मेडिकेशन जो टॉपिक है, जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी दवाइयाँ देनी ही है, लेकिन दे देंगे तो अच्छा रहता है, नहीं भी देंगे तो भी काम चलेगा। तो क्या है फेंटानिल, अगर फेंटानिल को, फेंटानिल के साथ कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखे जा सकते हैं, मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है, क्या करता है ये हाइपोटेंशन करता है, ब्रेडिकार्डिया करता है, और भी क्या करता है ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करता है जो फेंटानिल इंजेक्शन है, तो इसलिए इसकी लिमिटेशन है। और नार्कोटिक है तो इसका अलग से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसके रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं, सारी चीज़ें इसके अलग से चलती हैं। लेकिन इसके अगर मैं बात करूँ कि अगर इसको नहीं दिया जा रहा है तो आप डाइक्लोफेनिक भी इस्तेमाल में कर सकते हैं। डाइक्लोफेनिक जैसे कि डाइक्लोफेनिक 1 ml की वायल होती है, इसके अंदर टोटल जो दवाई रहती है वो 75 mg each ml, यानी कि 1 ml है तो 75 mg इसके अंदर दवाई है, ये डाइक्लोफेनिक है। डोज एडल्ट का 75 mg एडल्ट के अकॉर्डिंग, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, और क्या करते हैं, ये तो पेन के लिए होगी, रिलीफ पेन के लिए। अगली बात करते हैं टू रिड्यूस सलाइवरी सिक्रेशन एंड जो वेगस ब्रेडिकार्डिया होता है, वेगल ब्रेडिकार्डिया जो होता है उसको कम करने के लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं, क्योंकि पेशेंट कई बार क्या है बैगल ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, या फिर स्लाइवरी सिक्रेशन हो जाता है, जो एनेस्थेटिक दवाइयाँ दी जाएंगी उनसे सिक्रेशन ज़्यादा आ सकते हैं, कुछ जो एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं या दवाइयाँ होती हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कुछ दवाइयाँ पहले ही देके चलते हैं प्री मेडिकेशन में। जैसे कि कौन सी होती है, एक होती है आपके, मैं दिखाऊँ आपको, एक होती है एट्रोपिन और एक होती है ग्लाइकोपाइलेट। एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइलेट ये दो दवाइयाँ रहती हैं। अब इसमें से चॉइस ऑफ, अगर देखो सिक्रेशंस की बात की जाए, स्लाइवरी सिक्रेशंस की बात की जाए, तो उसमें ग्लाइकोपाइलेट ज़्यादा अच्छी रहती है। और क्या करती है साथ में, ग्लाइकोपाइलेट लेस टेकीकार्डिया, मतलब थोड़ा टेकीकार्डिया भी करती है अकॉर्डिंग एट्रोपिन के। एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन टेकीकार्डिया ज़्यादा करता है, मतलब अगर चॉइस ऑफ ड्रग्स की बात की जाए बैगल ब्रेडिकार्डिया में, तो एट्रोपिन होती है, साथ में ये टेकीकार्डिया भी करती है और थोड़ा बहुत सिक्रेशंस को भी कम कर सकती है। तो दोनों का डिफरेंस आप समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोनों का काम क्या है, एक स्लाइवरी सिक्रेशन में ज़्यादा अच्छा काम करती है और एक बैगल ब्रेडिकार्डिया में ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, दोनों किस में आती हैं, स्लाइवरी सिक्रेशन और आपकी बैगल ब्रेडिकार्डिया में। जो अगर इन दोनों के रिलेटेड सवाल आएगा तो आपको इन दोनों की तरफ उंगलियाँ उठानी है, कि ग्लाइकोपाइलेट और एक एट्रोपिन, सिंपल है, चीज़ें समझ आएंगी। अब बात करते हैं अगली एमेटिक इफेक्ट की। कई पेशेंट्स में क्या होता है कि वॉमिटिंग को चांस को कम करने के लिए, प्रिवेंट उनको रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, मतलब वॉमिटिंग या फिर इंटूबेशन चल रहा है तो एस्पिरेट ना कर जाए पेशेंट, वॉमिटिंग ना आ जाए, या फिर कोई इमरजेंसी कंडीशन आई, सर्जरी है कि इमरजेंसी है और उस समय इमरजेंसी में वो लेनी है, तो क्या है उस समय कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी एमेटिक इफेक्ट को कम करने के लिए। एंटी इमेटिक इफेक्ट जो दवाई करती हैं उनको दिया जाएगा, जैसे कि उनमें आपकी कौन सी होती है, ओंडेंसेट्रोन यानी कि एमसेट, और मेटोक्लोपोमाइड भी दे सकते हैं जिसको पेरिनोम के नाम से जानते हैं आप। ये एमसेट है, यानी कि ओंडेंसेट्रोन इसका साल्ट नेम है। ओंडेंसेट्रोन कितनी रहती है, 2 mg each ml इसके अंदर दवाई रहती है, 2 mg each ml दवाई रहती है, और टोटल 2 ml की बैल है तो कितनी होगी, 4 mg each ml होगी, 4 mg each ml होगी। और रूट क्या रहता है इसका, IV और IM इसका रूट रहता है, IV और IM इसका रूट रहता है। डोज 4 mg adult के अकॉर्डिंग ये रहते हैं इसके। अब बात की जाए पेरिनोम की, मेटोक्लोपोमाइड की, मेटोक्लोपोमाइड जो रहती है दवाई वो रहती है 5 mg each ml, यानी 2 ml है तो 10 mg होगी मेटोक्लोपोमाइड। तो इसका भी काम क्या है, नोजिया वोमिटिंग में ज़्यादा अच्छे से काम करती है। अगर नोजिया की है शिकायत, मतलब जी मिचलाना,
इस तरीके की अगर कोई कंडीशन रहती है और आपको लग रहा है कि सर्जरी के लिए वॉमिटिंग भी आ सकती है, तो नॉर्मली इसको दे सकते हैं, लेकिन चॉइस ऑफ ड्रग्स में ऑनलाइन सेट्रोन रहती है, एमसेट रहती है। ये चीज़ें प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को, इन दवाइयों को, इनको याद भी कर सकते हैं, इनके काम के बारे में भी समझ सकते हैं कि क्या वर्क करती हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो रहेगी ऑपरेशन थिएटर की, वो थोड़ा ज़्यादा आसान तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्या देते हैं दवाइयाँ, ये हो गई। और जो दवाइयाँ चलती है दोस्तों, वो चलती है एंटी एलर्जिक के लिए, मतलब लग रहा है कि ये पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी ना हो जाए, ड्रग्स कोई दी जा रही है तो उससे एलर्जी ना हो जाए, तो उस एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए, एलर्जी को रोकने के लिए पहले कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन है, स्टेरॉयड होते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन है ये जो दवाई है। हाइड्रोकोर्टिसोन मतलब आप इफकोलिन के नाम से भी जानते हैं इसको, इफकोलिन। इसके अंदर जो दवाई रहती है वो 100 mg रहती है हाइड्रोकोर्टिसोन के अंदर। ये क्या है, ये थोड़ा शॉर्ट एक्टिंग है अकॉर्डिंग द डेक्सामेथासोन। मेरे पास दोनों है, डेक्सामेथासोन भी है और हाइड्रोकोर्टिसोन भी है, आप देख सकते हैं इनको अच्छे से। हाइड्रोकोर्टिसोन क्या करती है, थोड़ा सा शॉर्ट एक्टिंग है अकॉर्डिंग द डेक्सामेथासोन। अगर मैं बात करूं डेक्सामेथासोन के, डेक्सामेथासोन का जो एक्शन आता है वो थोड़ा डिले होता रहता है, लेकिन इसका जो एक्शन है वो फास्टेस्ट है। यानी कि अगर मैं इसकी हाइड्रोकोर्टिसोन की बात करूं तो इसका एक्शन फास्टेस्ट है, इसका थोड़ा सा डिले देखा गया है। तो ये डेक्सामेथासोन, अगर डेक्सामेथासोन की मैं बात करूं प्रॉपर डिटेल में, तो इसके अंदर जो दवाई रहती है वो 4 mg/ml रहती है, यानी कि टोटल 2 ml की वायल है, तो 8 mg इसके अंदर दवाई, 8 mg एडल्ट के हिसाब से इसका डोज रहता है, 8 mg एडल्ट के हिसाब से इसका डोज रहता है, और यूसेज एंटी एलर्जिक है। अब मैं बात करूं हाइड्रोकोर्टिसोन की, हाइड्रोकोर्टिसोन जो मैंने पहले बता दिया आपको, इसके अंदर 100 mg रहती है, रूट इसका IV और IM रहता है, IV और IM इसका रूट रहता है, और इसके अंदर जो डोज है, डोज की अगर मैं बात करूं तो 2 mg/kg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको दिया जाता है, 100 mg इसके अंदर टोटल दवाई रहती है, लेकिन डोज जो रहता है 2 mg/kg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है। तो ये दोस्तों ये थी प्री मेडिकेशन की कुछ दवाइयाँ, जो प्री मेडिकेशन में जब पेशेंट को सर्जरी के लिए लिया जाता है तो उस समय इन दवाइयों का देना जरूरी भी है और नहीं भी है, वो अकॉर्डिंग द सिचुएशन एंड जो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये दवाइयाँ आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।